सभी का बच्चों की तरह पालन पोषण कर रही हूँ। मैं तब भी थी जब आप लोग नहीं थे, और मैं तब भी रहूंगी जब आप लोग नहीं रहेंगे। पर अब ऐसा लगता है कि मैं थक रही हूँ, आपकी धरती माँ थक रही है। रसायनों का छिड़काव, रासायनिक खाद और इन सबके कारण पानी एवं हवा में जहरीलापन, यही कारण है कि मैं थक रही हूँ। क्या आप जानते हैं कि इन रसायनों के जहरीलेपन से मेरी मिट्टी वैसे ही जलती है जैसे आपके शरीर पर कोई तेजाब डाल दे। लगता है मेरे बच्चों को मेरे दुख का अंदाजा नहीं है। मेरी मिट्टी बंजर हो रही है। लेकिन अब मुझे याद आता है कि पहले मैं बहुत सुंदर थी, बहुत प्रसन्न थी, हमेशा हंसती थी। मुझे अब भी याद है। मैं तुम्हारी माँ सुंदर क्यों ना होती? मुझे तो सुंदर होना ही था, क्योंकि बीते जमाने में आप मेरे बच्चे ही तो अपनी माँ के रखवाले थे। आप लोग प्राकृतिक ही शांति ही, पृथ्वी है शांति ही, औषधिया है शांति ही, वनस्पति नदियां जंगल झरने पर्वत रखनाई है सवार के, इनको रौंदा तुम न बचोगे धरती कहे पुकार के। वर्षा होती कहीं पे मिट्टी बंजर बनती, बंजर मिट्टी और भी तपती, धरती कहे पुकार के। हजारों साल से मनुष्य धरती के गोद में रहता आया है, लेकिन आज मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने इसके बदले धरती माँ को क्या दिया? ये जहरीले रसायन और प्राकृतिक खाद जो मिट्टी को बंजर कर रहे हैं, उर्वरकता को बर्बाद कर रहे हैं। आप अच्छी पैदावार के लालच में जो रासायनिक खाद अपने खेतों में डाल रहे हैं, वो अभी तो लाभ देगी, लेकिन लंबे समय में उसी रासायनिक खाद का नुकसान भी है। रासायनिक खाद जहर समान है, और तो और फसलों में पानी की खपत भी बढ़ गई है, जिससे खेती की लागत बढ़ रही है और पानी का स्तर जमीन के काफी नीचे जा रहा है। बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने तुम्हें सुख से जीने के लिए पर्याप्त संसाधन दिए हैं, पर तुम्हारे लालच की पूर्ति के लिए नहीं दिए। ऐसा लगता है कि थोड़ी सी अधिक पैदावार और अपने लालच के लिए आप सब अपनी अगली पीढ़ी, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना भूल गए हैं। सोचो, क्या तुम अपने बच्चों को ऐसे खेत देना चाहते हो जो बंजर हो? अभी न संभले मेरे बच्चे तो फिर तुम पछताओगे। सुरक्षित और प्रसन्न रखने का उपाय क्या है? एक ही उपाय है, धरती एक, परिवार एक, भविष्य एक। इस मूल मंत्र को आत्मसात कर लो। प्राकृतिक संसाधन को बचाओ, प्राकृतिक खेती को अपनाओ, और परंपरागत देसी पद्धति से जैसे गो आधारित उत्पाद जीवामृत, बीजामृत, पंचगव्य, गोमूत्र
गौमूत्र छाछ का उपयोग करो ताकि मिट्टी की उत्पादकता बनी रहे। याद रखना, मैं माटी हूँ, माँ होना मेरे नाम में बसा है। पोषण करने के लिए ही मैंने जन्म लिया है। करोड़ों सालों तक धरती पर सांसों की डोर आगे बढ़ाई, पेट भरा जब सबका, तभी मैंने संतुष्टि पाई। वो माँ हूँ मैं सबकी, जिसने जन्म न देकर भी जीवन संभव बनाया। अन्नदाता मेरे पुत्र किसान, तुमने ही तो इसमें मेरा साथ निभाया। दिन रात सींच पसीने से मुझको हर मुंह तक रोटी पहुंचाई। जब तुमने माथे मुझे लगाया, मैं हरियाली बनकर मुस्काई। मिट्टी बंजर होने से या धरती के नुकसान से, किसी एक देश, एक द्वीप, एक समाज या एक धर्म का नुकसान नहीं है, बल्कि सभी का है, क्योंकि सभी आपस में बंधे हैं। धरती की श्रृंखला टूटी, सब बिखर जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे।